हेलो गाइस, वेलकम टू बीमेंस वाला। आज हम स्वस्थ विद सेकंड प्रोफ का सेकंड चैप्टर हेल्दी लाइफस्टाइल दिन करियर डेली रेजिमेंट का पार्ट 15 लेके आए हैं, जिसमें हम इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोकिंग ऑफ वेरियस सॉर्ट्स वाया बीड़ी सिगरेट हुक्का ऑन हेल्थ कवर करेंगे। तो इसमें हमें क्या बेसिकली पढ़ना है कि बीड़ी सिगरेट हुक्का के जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। बीड़ी सबसे पहले क्या करती है, इट कंटेन्स इरिटेंट टॉक्सिंस लाइक पॉलीरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोबैको स्मोकिंग, नाइट्रो एंजाइम्स, अमोनिया एंड फेनॉल, विच इज मोर हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। मतलब इन सब में जो इरिटेंट्स और टॉक्सिंस होते हैं हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट करते हैं। इट कंटेन्स 3 to 5 मोर टाइम्स निकोटीन एंड टार एज कम्पेयर टू सिगरेट। सिगरेट के कंपेरिजन में बीड़ी में 3 से 5 गुना ज्यादा टार होता है, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत बुरा है। कॉजेस निकोटीन एडिक्शन, निकोटीन की एडिक्शन हो जाती है इससे। बीड़ी स्मोक कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जो बीड़ी होती है हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे हाई इसकी कंसेंट्रेशन हम कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देती है, इसकी वजह से क्या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है हमारी, हार्ट डिजीज। अमोनिया कॉज हार्म टू रेस्पिरेटरी डिजीज, इन सब में अमोनिया भी होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ टंग, थ्रोट, ओरल ओसोफेजियल स्टमक एंड लंग कैंसर, इन सारे कैंसर्स को ये जन्म भी देता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्थमा, अस्थमा हो सकता है। कॉजेस कोरोनरी आर्टरी डिजीज एज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक। सीएडी आजकल बहुत कॉमन हो गया स्मोकिंग की वजह से, हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन सब चीज से होता है। कॉजेस सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिजीज एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरस्टीशियल लंग डिजीज। बेसिकली इसमें लंग डिजीज हमको होने का बहुत ज्यादा हाई चांस रहता है। ऑल्सो इफेक्ट बोन हेल्थ, बोन हेल्थ की डेंसिटी कम करता है, कैटरेक्ट कर सकता है, टीथ और गम को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, फर्टिलिटी डिफेक्ट हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं इन सबको हमें यूज करने से। एम्फाइजीमा का रिस्क बढ़ाता है, यानी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, जो सांस फूलती है बार बार उसको कहते हैं एम्फाइजीमा, तो उसका रिस्क बढ़ाता है। हुक्का क्या करता है, हुक्का में क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल होता है जो कि फ्यूम्स और केमिकल कॉज करता है, इसकी वजह से ब्लैडर, लंग और ओरल कैंसर होते हैं। जब वो कॉइल उसकी जलती है हुक्के की, तो उससे क्या होता है, जो जो फ्यूम्स पैदा होते हैं उससे ब्लैडर वगैरह, ओरल वगैरह के कैंसर होते हैं। रिड्यूसेस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को रेज करता है। ट्यूबरक्लोसिस कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन हुक्का स्मोकर कफ इन ईच अदर फेसेस, जब हुक्का का जो स्मोक है वो निकालते हैं, छोड़ते हैं उसको बाहर, तो उससे ट्यूबरक्लोसिस फैलने का भी खतरा रहता है। रेगुलर कार्सिनोजेंस फ्रॉम स्मोकिंग, द फ्लेवरिंग आर ऑफन ऑयल बेस्ड एंड ऑयल इंक्रेडिबली इन्फ्लेमेटरी डेमेजिंग टू स्मॉल एयरवेज इन द लंग्स। जो भी कार्सिनोजेंस इन सब में पैदा होते हैं वो ज्यादा ऑयल बेस्ड होते हैं, और ऑयल बेस्ड की वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स है का जो एयरवेज है उस सबको ब्लॉक करके उसे डैमेज करते हैं, उसको इन्फ्लेमेट करते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम वो देखेंगे। ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, ओवरऑल कैंसर हो रहा है पूरी बॉडी का। हार्ट पे क्या असर हो रहा है, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज हो रही है। आईज पे विजन का लॉस हो रहा है, गम्स पे डिजीज बहुत सारी फैल रही है, अल्सर वगैरह हो रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक वगैरह का, सिरोसिस का रिस्क बढ़ रहा है, टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे वाउंड लग जाता है, कोई भी चोट पीट लग जाती है वो डिले हो जाता है, जल्दी उसकी हीलिंग नहीं होती, और सबसे मेन क्या है, लंग डिजीज हो रही है ज्यादातर, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो सब डिजीज हो रही है। हम इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हार्ट है, हेल्दी हार्ट है और ये डैमेज हार्ट है, इसके ऊपर ये फैट की लेयर जम गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सब डिजीज हो रही है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, इसके अंदर क्या होता है, स्मोकिंग करने की वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाता है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो क्यों होता है, इसके साइड में जो है इसमें फैट वगैरह ये सब जम जाता है स्मोकिंग की वजह से, जो भी स्मोक करते हैं तार वगैरह, उसके कहते हैं ये जो ल्यूमन है इसका नैरो हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद आता है स्मोकर स्मोकिंग के लंग्स, ये नॉर्मल लंग्स है और ये डिजीज लंग्स है, इसमें तार जम जाता है, इसकी वजह से एम्फाइजीमा, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये गम्स, टीथ ये सब डिके होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, माउथ अल्सर, कैंसर ये सब भी हो रहा है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।